तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर, देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार ने इस वर्ष बाढ़ पीड़ित लोगों को नगद अनुदान देने के लिए 32.5 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। यह अग्रिम राशि राज्य की आकस्मिकता निधि से दी जाएगी। सूबे के 391 बुनियादी विद्यालयों को राज्य सरकार फिर से उनके वास्तविक स्वरूप में लाएगी। इसके लिए इन विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को तैनात करने का लिया गया निर्णय। राज्य सरकार ने सूबे के 12 पुरानी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन का लिया निर्णय। 5 साल तक इनके परिचालन और रखरखाव पर 25 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्य सरकार देश के अन्य नए शहरों में भी बिहार फाउंडेशन का चैप्टर खोलेगी। इसके लिए फाउंडेशन को सहायता अनुदान के रूप में 3,10,00,000 रुपए की मिली स्वीकृति। 800 करोड़ रुपए की लागत से 40 सालों से निर्माणाधीन दुर्गावती सिंचाई परियोजना बनकर हुआ तैयार। इससे कैमूर और रोहतास जिले में 33,000 हेक्टेयर से भी अधिक कृषि भूमि की होगी सिंचाई। सूबे में शिक्षकों के 70,000 पदों को भरने के लिए फिर होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। 20 अक्टूबर के बाद शुरू होगी नई बहाली प्रक्रिया। उद्योग विभाग ने हस्तशिल्प के गुर सीखने वालों की सुविधा में कई तरह के इजाफों का लिया निर्णय। इसका मकसद हस्तशिल्प को रोजी रोटी का आधार बनाना है। इस वर्ष विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र मेला 6 नवंबर से होगी शुरू। मेले की थीम ग्रामीण परिवेश होगी। राज्य सरकार बिहार के अच्छे बिजनेस मॉडल वाले उद्योगों में करेगी निवेश। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपयों का कैपिटल वेंचर फंड बनाने पर हो रहा है विचार। राजधानी पटना में दीघा से दीदारगंज के बीच गंगा ड्राइववे का काम नवंबर के पहले हफ्ते से ही हो जाएगा शुरू। निर्माण कंपनी ने ड्राइववे की डिजाइन का काम किया पूरा। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। बिहार में महादलित समुदाय के विकास के लिए बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई है। बिहार महादलित विकास मिशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी महादलितों को उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाते हुए समाज निर्माण में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना है। सरकार की सभी योजनाओं को महादलितों के विकास हेतु प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए प्रत्येक पंचायत और वार्ड में एक एक विकास मित्र का चयन किया जाता है। प्रत्येक पंचायत और वार्ड समूह में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी, उसी जाति से विकास मित्र का चयन होता है। विकास मित्र की नियुक्ति में 50% महिलाओं का चयन किया जाता है और इन्हें प्रतिमाह 5,000 रुपए मानदेय भी दिया जाता है। विकास मित्र सरकार और महादलित परिवारों के बीच एक कड़ी के रूप में और महादलित समुदाय में एक चेंज एजेंट के रूप में कार्य करता है। दशरथ माझी कौशल विकास योजना का उद्देश्य महादलित युवकों और युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना है, जिससे महादलितों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो सके। प्रशिक्षण के दौरान मिशन के द्वारा स्टाइपेंड और प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री टूल किट दिया जाता है।
दशरथ माझी कौशल विकास योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राज्य के जिला मुख्यालय में चलाया जा रहा है। इस योजना में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। महादलित शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु महादलित परिवारों को अंशदान के रूप में प्रति परिवार बिहार महादलित विकास मिशन की ओर से रुपए देकर निःशुल्क शौचालय निर्माण की कार्रवाई सभी जिलों में की जा रही है। महादलितों को मुख्य धारा में जोड़ने एवं प्रभावी जीवन दृष्टि बनाने के लिए मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को शिविर लगाकर रेडियो वितरित किए जाते हैं। सामुदायिक भवन सह वर्कशेड योजना के तहत महादलित टोला में एक ऐसे भवन का निर्माण करना है जहां महादलितों के सामाजिक कार्यों के निर्वहन के साथ साथ बौद्धिक, सांस्कृतिक और खेल कूद की गतिविधियों का विकास हो सके। वैसी पंचायत जहां महादलितों की अधिक आबादी है वहां कम से कम एक सामुदायिक भवन निर्माण करने का लक्ष्य है। सहायता बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा स्थापित पूर्णतः कंप्यूटरीकृत आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉल सेंटर है। इस कॉल सेंटर की स्थापना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और नियम 1995 के अंतर्गत आने वाले शिकायतों को प्राप्त करता है और उसका समुचित निराकरण करने में अभिवंचित वर्ग की सहायक है। इस कार्य के अतिरिक्त सहायता बिहार महादलित विकास मिशन, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित जानकारी मांगकर्ता तक पहुंचाएगी, साथ ही मिशन और विभाग से जुड़ी समस्याओं को भी लाभुकों से प्राप्त कर समाधान के लिए संबंधित अधिकारी एवं विभाग को प्रेषित करती है। सहायता एक कॉल सेंटर की तरह कार्य कर रहा है। इस हेतु एक टॉल फ्री नंबर 1800-345-6345 BSNL से लिया गया है, जिस पर एक साथ 30 कॉल आने जाने की सुविधा है। ऐसी सारी योजनाएं महादलितों को मुख्य धारा से जोड़ने का भगीरथ प्रयास है। सच है, महादलितों के उत्थान के लिए सरकार कटिबद्ध है, निरंतर प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो कठिन और जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हैं तथा कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर आदि से ग्रस्त हैं, उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिला के सिविल सर्जन से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। इस योजना से प्रदेश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 12 मासी संपर्क पथों और पुलों का निर्माण, पतले पुलों का चौड़ीकरण, पूर्व निर्मित पुलों का सुदृढ़ीकरण और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें।
मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। संसार से अपने परिनिर्वाण के बारे में प्रथम बार वैशाली के कोल्हुआ ग्राम में भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीरावशेषों का 8 भाग किया गया था, जिसमें से एक भाग वैशाली के लोगों को मिला। उन्होंने भगवान की अस्थियों पर वैशाली में स्तूप बनवाया। मार्च सन 1958 में हरपुर बसंत नामक गांव में एक टीले की खुदाई से भगवान बुद्ध का वह अवशेष मिला जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। सम्राट अशोक ने एक विशाल स्तंभ का निर्माण इस अंतिम उपदेश की याद में करवाया। बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन भी वैशाली में ही हुआ था। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।